Asexual and sexual reproduction is the two types of reproduction that you are going to understand. Now, what are the difference between them? बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, तुमने देखा क्या, प्लांट के पास एक और प्लांट आया, फिर रिप्रोडक्शन कैसा नहीं होता ना, ओनली वन पेरेंट। एंड सेक्सुअल में देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर में अपने देखा था बच्चों सोमेटिक सेल्स क्या होता है, जर्म सेल्स क्या होता है। So reproduction which occurs with the help of somatic cells, occurs with help of somatic cells. Somatic cells मतलब body के cells, kidney के, neuron के वगैरह everything. That is somatic cells. Body functions में जो responsible है, ठीक है. And yes, occurs with the help of germ cells, sperm cell and egg cell. Male का रिप्रोडक्टिव सेल इज स्पर्म सेल एंड फीमेल का इट इज ओवम एग सेल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा बच्चों सेक्सुअल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। जर्म सेल्स क्या क्या होता है, स्पर्म एंड एग सेल, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक पेरेंट है, इन सेल्स में हो गया। अब असेक्सुअल प्लांट्स को देखो, सब प्लांट्स तुमको कैसे दिखते हैं, नियर बाय सेम ही दिखते हैं ना तुमको, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, एकदम सेम, ठीक है, ओके बच्चों। तो यर द प्रोजेनी, द इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म is exactly same, मतलब इसको मैं बेटर लिख के तरीके से लिखता हूं, एक इंडिविजुअल फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुम खुद ही देख लो, यू आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट यू आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इज जेनेटिकली डिफरेंट, योर कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट चैप्टर में आपने ये भी देखा माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस ओनली, क्योंकि माइटोसिस में देयर इज नो रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है ना। तो माइटोसिस में होता क्या, पेरेंट सेल एकदम सेम होता है डॉटर सेल से, तो यू वॉन्ट दैट, तो ये प्रीफर दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन। लेकिन ये रिप्रोडक्शन में बच्चों दोनों भी होता है, बाय माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ, ठीक है बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा व्हाट मोर, यार बच्चों देयर इज नो वेरिएशन, मतलब पेरेंट और जो चाइल्ड है वो सेम ही दिखता है, प्लांट्स को देखो, लेकिन अपन अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है। सो यार देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। फिर और क्या, यार देयर आर नो गैमेट्स, मैं रफ कर देता ऊपर वाला, ठीक है, लेटर ऑन व्हेन यू सी द वीडियो You have to make the notes also. ठीक है बच्चों, चल। So here there is no variation, there is complete variation over here. Asexual में बच्चों, no gametes as well as
नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल पार्ट फीमेल पार्ट डिफ्यूजेस एंड फॉर्म अ जाइगोट। यहां पर कोई गैमेट ही नहीं है तो कोई फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है। बट यहां पर क्या होगा गेस कर लो, गैमेट्स भी होंगे और फर्टिलाइजेशन भी होगा, गैमेट फॉर्मेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ठीक है बच्चों, सो यहां पर गैमेट फॉर्मेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन सब बेबी होते एक टाइम तक, तो वी आर ऑल आर जाइगोट। हियर देयर इज नो जाइगोट, नो एम्ब्रियो एज सच, बट हियर देयर इज जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि यहां पर एक ही पेरेंट है, इट्स अ फास्ट प्रोसेस। बट हियर अपने में तो 9 महीना लगता है, किसी किसी में 12 महीना, 24 महीना, इट टेक्स टाइम राइट, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स तुम यहाँ पर बच्चों लिख सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, इन अ वेरी गुड वे, एंड देन यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दैट्स हाउ।